अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में रहें। मैं आज आपके लिए और आपके सामने बना रही हूँ फ्लेवरफुल डिटॉक्स वाटर। वैसे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से डिटॉक्स वाटर बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने शुगर फ्री डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ। डिटॉक्स वाटर जो है इसको अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मेरे पास इधर जिंजर है, ये जिंजर के कुछ मेरे पास पीस हैं, ये इस किस्म पतले से मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं, ये डालेंगे। इसके पास साथ मेरे पास इधर लेमन है, लेमन के स्लाइसेस हैं। ये मेरे पास कड़ी पत्ता लीव्स हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं कड़ी पत्ता लीव्स। कड़ी पत्ता लीव्स डालने के बाद ये मिंट है मेरे पास, पुदीना जी बिल्कुल फ्रेश ही पुदीना है। और उसके बाद जो है ये मेरे पास खीरा है, और वो भी देसी खीरा है, वो मैं छिलके के साथ ही डाल रही हूँ। ये देसी खीरा के स्लाइसेस इसमें जाएंगे। इसके पास मेरे पास है दालचीनी, और दालचीनी के बाद है सौंफ। सौंफ डालने के बाद और मेरे पास है तो हम बिलंगा बेसल सीड्स डालेंगे। डिटॉक्स वाटर जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, आपके बालों को स्किन को ग्लो करते हैं। अगर गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम है इसको दूर करते हैं। खीरे को मैंने छिलके के साथ डाला है। इसके छिलके के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी ड्रिंक है। अगर आपको ऑरेंज मिल जाए इस मौसम में तो आप ऑरेंज भी इसमें ऐड कर सकते हैं ओवरनाइट। इसको फुल ऑफ एनर्जी ड्रिंक को रखें। जी हमारा डिटॉक्स वाटर बनकर तैयार है। अच्छे तरीके से इसको हिला लें ताकि विटामिन्स और मिनरल्स अच्छे तरीके से इस इन्फ्यूज़ हो जाएं। वैसे तो डिटॉक्स वाटर के बेनिफिट्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये भी है कि ये आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। ये डिटॉक्स वाटर आपको फ्रेश रखेगा, और इंशाल्लाह फुल ऑफ एनर्जी डिटॉक्स वाटर है। ओवरनाइट इसको रखें, और जो है अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह या ओवरनाइट रखने के बाद आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो है आपने फ्रेश बनाना है, जिस फ्रेश बनाने के साथ साथ जैसे आपका ये जो है ये ख़त्म होता है पीने के बाद, मज़ीद फ्रेश जो है इस तरीके से बना सकते हैं। और भी मुख्तलिफ तरीके हैं बनाने के, लेकिन ये फुल ऑफ एनर्जी ड्रिंक है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।